नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का कल का मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मुकाबले में के हारने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और अब उन्हें घर की वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है खबर की पूरी जानकारी। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन और चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज का मुकाबला काफी कांटे का मुकाबला रहा। दोनों के लिए या करो या मरो का मुकाबला था। ऐसे में वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले को 3 रनों से जीत लिया। दरअसल दोस्तों, वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए थे। इसके बाद इसको चेज करते हुए बांग्लादेश की टीम 139 रन ही बना सकी, जिसके बाद दोस्तों यह मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम जीत गई। और इस मुकाबले को जीतने के बाद बांग्लादेश के लिए सारी आशाएं खत्म हो गई, क्योंकि बांग्लादेश के पास अब इतना चांस नहीं है कि वो क्वालिफाई कर सके, क्योंकि वो अपने पॉइंट टेबल और ग्रुप स्टेजेस के लीग मुकाबले में उन्होंने 3 मुकाबले खेले और 3 हारे हैं और यहाँ पे पॉइंट टेबल में सबसे नीचे पहुंच गए हैं। और रूल के हिसाब से जो 3 मुकाबले हार जाता है वो लगभग T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पर 12 के मुकाबले जो हैं उसमें आपको 3 में 2 मुकाबले तो कम से कम जीतना रहना है अगर आपको बने रहना है ग्रुप स्टेज में। तो दोस्तों, इसके बाद यहां पर बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई और यहां पर अब वो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका वर्ल्ड कप का सफर यहीं तक था, उनके लिए अब आगे के मैचों का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीतेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।